शाहजहांपुर नगर निगम से कांग्रेस प्रत्याशी अजीजा इकबाल पत्नी पूर्व चेयरमैन महरूम इकबाल अंसारी के बेटे अनस इकबाल ने ईद की मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपील करी है और साथ ही परिवर्तन का संकल्प कांग्रेस को लेकर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा है कि अगर जनता ने साथ दिया तो दर दर किसी को भटकना नहीं पड़ेगा और निगम की योजनाएं घर घर जाकर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि हम ऐसी टीम बनाएंगे जो महिला, गरीब और असहाय लोगों की समस्या का समाधान करेगी। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियों की तैयारियां हैं, वे जोरों पे हैं। भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मेयर पद के लिए उतार दिए हैं। इस बार कांग्रेस ने अनस इकबाल की मां इकबाल पर इस बार भरोसा जताया और यहां से शाहजहांपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। उनके उनके बेटे हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कांग्रेस ने आपकी मां निकहत इकबाल को यहां से प्रत्याशी बनाया और भरोसा जताया जी, तो क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे? देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपके चैनल से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है और अपने शहरवासियों को और देशवासियों को सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे सबसे बड़े जो होते हैं, देखिए विकास होता है और विकास किस स्तर पे दूसरी पार्टियां कर रही हैं ये हम लोगों को बखूबी मालूम है कि एक जुमला चला आ रहा है, चाहे वो 15 लाख रुपए अकाउंट में हो, ठीक है, चाहे 2 करोड़ रोज़गार नौकरियों को लेके हो, तो ग्राउंड लेवल पे उनका सच्चाई कुछ नहीं है। बाद में हम आपसे कहा जाता है कि पकौड़े बेचिए, दीदियाँ हिंदुस्तान के अंदर, और आज एरोप्लेन भी बन रहा है आपके हिंदुस्तान में। तो असल मुद्दा विकास होता है, जो कि काफ़ी मेहनत भी करना पड़ती है मुल्क चलाने के लिए। बहुत आसान मुद्दा, आसान जो है, आसान देश राजनीति जिसे कहते हैं, सबसे आसान होती है आपस में नफरत वाली, जो कि दूसरी सरकार बखूबी जानती है, उसे विकास से मतलब नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा उसको नफरत फैलानी है और देश में राज करना है। हमारी पार्टी जो है, हम जिस पार्टी से आ रहे हैं, वो चाहे आप ऊपरी लेवल पे देखिए या लोकल स्तर पे, हमारा काम फोकस सीधा ज़मीनी आदमी से टच करने का है। मुद्दे बिल्कुल सादे सादे जो हैं, लोकल आदमी की जेब को अपने और उसके दिल में घर करेंगे। वो चाहे आपका फ्री रक्षा हो लेडीज़ के लिए, फ्री एम्बुलेंस हो नगर निगम की तरफ से, चाहे आपके जाड़ों में लकड़ी रजाई गद्दा रैन बसेरा में ये अपने उपलब्ध कराए जाएंगे, गर्मियों में ठंडे पानी का इंतज़ाम करा जाएगा, मोबाइल टॉयलेट चौराहे नुक्कड़ पे उसका भी व्यवस्था करी जाएगी। जिनके पास अपने हाथ नहीं पहुंचता है विचारों का, गरीब लोगों का, और मैरिज लोन की नहीं रीच कर पाते हैं, उनको वो उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे ही कई एक मुद्दे हैं, और सबसे ख़ास तौर पे जो महिलाओं को लेके बहुत आजकल वो हो रहा है कि गरीब महिलाएं या कम पढ़ी लिखी, वो अपना काम थाने चौकी का कभी को पड़ जाता है तो वो काम नहीं करवा पाती, उसके लिए एक पैनल अलग से हम लोग शुरू करवाने के लिए मुहिम छेड़ेंगे, बनाएंगे। सभी पार्टियां विकास की बात करती हैं, आपकी पार्टी किस तरह का शाहजहांपुर में विकास करना चाहती है? ये मैंने अभी मुद्दे जो आपको बताए हैं, ये विकास की ही तरफ इशारा सारे कर रहे हैं। अगर शाहजहांपुर की जनता आपको यहाँ से मेयर बनाती है, तो कौन से 3 काम है जिस पे आप सबसे पहले कार्य करेंगे? सबसे पहले कार्य देखिए, रोड जो हैं आज के टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो चाहे जानवर ही क्यों ना हो, इंसान तो इंसान रहे, जानवर भी मैंने उसमें गिरते देखे हैं। और आपको अगर 10 मिनट की दूरी पर जाना है तो आपको कम से कम आधा घंटा पौन घंटा आज के टाइम में लग जाता है। सबसे पहला मुद्दा होगा काम का सड़क और गड्ढा मुक्त करना शहर को। दूसरा, लाइट और साफ़ सफाई, जो आपके हर महीने 50 रुपये का आपसे लिया जाता है, उसको हम लोग ख़त्म करने का सोचेंगे, उसमें लिखा हुआ भी है घोषणा पत्र में। यही 2-3 चीज़ों पे सबसे पहले हम लोगों को फोकस करना है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से शाहजहांपुर जनता से? भाई, जनता से मैं यही अपील करूंगा, कोई बनावटी बात नहीं करूंगा, हमारे दादा भी सेवा करते आए हैं, ठीक है, हमारे फादर भी सेवा करते आए हैं, सियासी उसमें रहे, और हमारा भी अब हमें मौका मिल रहा है, हमारी माता को मिलते मिलते रह भी गया एक बार, उनके साथ बेमानी करी गई थी,
हम भी इसी उसमें हैं कि भाई आने वाले टाइम में आप मौका अगर देते हैं, जो जो हम योजनाएं आज तक नहीं दी गई हैं नगर पालिका की तरफ से और अब निगम हो गया उसकी तरफ से, अब हम वो चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग भाई वोट सपोर्ट करें और इन चीज़ों का भी लाभ